दोस्तों, आपने भगवान के कई चमत्कारों के बारे में सुना होगा और किसी ने तो देखा भी होगा, मगर जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं उससे आपको भगवान के द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों वाली कथाओं पर यकीन हो जाएगा। आज हम आपको इस वीडियो में चमत्कारी हनुमान जी की मूर्ति के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके चमत्कार को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो के अनुसार इस हनुमान जी की मूर्ति के अंदर अगर आप अपना पूरा नारियल डालेंगे और 2 सेकंड के अंदर आपको वह नारियल 2 टुकड़ों में मिलेगा। क्या है इसके पीछे का खास चमत्कार और सबसे बड़ा रहस्य, आज की इस खास वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हनुमान दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दरअसल दोस्तों, यह अनोखा मंदिर गुजरात के अहमदाबाद के बड़ौदा शहर के पास सारंगपुर में स्थित है। आपको बता दें कि इस मंदिर के पुरोहित लाल भाई का कहना है कि ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक पहल है साफ सफाई रखने के लिए। इसका सबसे पहला उद्देश्य साफ सफाई रखना है। आपने देखा ही होगा कि मंदिरों में मंदिर परिसर के बाहर नारियल फोड़ा जाता है, इससे मंदिर में गंदगी होती है। इस कारण मंदिर को बनाते वक्त एक अनोखी मूर्ति का निर्माण किया गया। इस मूर्ति में अगर आप नारियल डालेंगे तो वह पूरा का पूरा नारियल बाहर आएगा, तब वह आधा ही रहता है। इसका मतलब है कि आधा भगवान की चरणों में अर्पण करके आधा वापस दिया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है इस मूर्ति का राज। दोस्तों, इस मूर्ति में एक ऐसी मशीन लगी हुई है जो नारियल डालने पर उसे एक समान हिस्से से 2 टुकड़ों में बांट देती है। आप भी यह देख सकते हैं कि वीडियो में एक शख्स नारियल को हनुमान जी के मुंह में डालता है और फिर नारियल का टुकड़ा हनुमान जी के मूर्ति के हाथ से बाहर निकलता है। आपको बता दें दोस्तों, यह मंदिर की मूर्ति को पहली बार अगर कोई देखे तो उसे ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये सच है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। भले ही ये मॉडर्न साइंस का जमाना है, लेकिन फिर भी ये हनुमान जी का विशिष्ट चमत्कार ही कहा जा सकता है। इसमें अगर आप मुंह पर एक नारियल डालेंगे तो वह नारियल 2 हिस्सों में बट जाएगा। एक हिस्सा भगवान हनुमान जी को अर्पण हो जाएगा और दूसरा हिस्सा उनकी बाहों से निकलकर अपने आप ही आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें।